अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और खाने पीने वाली दूसरी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फल सेलेक्ट किया है, फ्रूट सेलेक्ट किया है। सो पाकिस्तान के अंदर इतना कॉमनली नहीं पाया जाता, लेकिन जो इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, जो ट्रॉपिकल एरिया हो गए, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और जो नॉर्दर्न इंडिया के कुछ इलाके के अंदर बहुत जो है हाई मकदार में ये पाया जाता है। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो है पंसारी के स्टोर के ऊपर आपको ड्राई फार्म के अंदर मिल जाता है। तो आज मैं आपको जो है भेल फ्रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, इसके बेनिफिट्स बताऊंगा और साइड इफेक्ट बताऊंगा। और दोस्तों इसे उर्दू के अंदर ज़्यादातर बेलगिरी बोला जाता है, यहाँ पे बेल फ्रूट भी बोला जाता है, या बेल वुड एप्पल भी इसे बोला जाता है, इसे स्टोन एप्पल भी कहा जाता है, और कई जगह के ऊपर इसे पत्थर का फल भी कहते हैं, और इंडियन बेल भी इसे पुकारा जाता है, यानी इसके काफ़ी ज़्यादा नाम है। और दोस्तों इसे बंगाल क्वींस भी बोला जाता है। और दोस्तों जब ये पक जाता है, सख्त हो जाता है, तो इसे कई इलाकों के अंदर स्टोन एप्पल भी बोला जाता है। और जब ये कच्चा होता है, सब्ज़ होता है। और दोस्तों जब ये पक जाता है, अंदर से ज़र्द हो जाता है। और दोस्तों जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, इसके अंदर से बहुत मुतबारक शुमार किया जाता है। मंदिरों के अंदर ये जो है बहुत इस्तेमाल होता है, चढ़ावे के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और दोस्तों इसका जो टेस्ट है, केले की तरह का और शहद की तरह का, कड़वाहट की तरफ थोड़ा सा माइल है। और दोस्तों इसका जो मजाज है, सर्द और खुश्क है। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट फैक्ट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, और इसके अलावा काफ़ी किस्म के जो मिनरल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो जोड़ों के दर्द का शिकार है, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, जो उनके दांत कमज़ोर है, उनके लिए बेहतरीन है। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है, दांतों को ये मजबूत बनाता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। और दोस्तों स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को चमकदार बनाता है, ग्लो देता है, स्किन के ऊपर शाइन देता है, कोई स्पॉट्स पड़े हुए ख़त्म करता है, कील मुहासे, पिंपल्स वगैरह को ख़त्म करता है। और दोस्तों जिस्म में से गर्मी को निकाल बाहर करता है, निचोड़ देता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें गर्मी बहुत लगती है, स्पेशली जो गर्मियों के अंदर इसका शरबत बना के पिया जाता है, जो दिल को राहत देता है, जिस्म को सुकून देता है। और दोस्तों इसके अंदर हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर से महफूज करता है, जिस्म में से कैंसर को दूर करता है, खून को साफ करता है, खून को पैदा करता है, दिल की तमाम किस्म की बीमारियों को दूर करता है, अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं उसे खोलता है, ओपन करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें जिगर की गर्मी है, जैसा कि मैंने बताया, गर्मी को निचोड़ता है, जिगर ख़राब हो चुका है, जिगर बढ़ चुका है, जिगर की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें लूज मोशन लगे हुए हैं, जिन्हें पानी की तरह जो पखाना आ रहा है, और काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करने के बावजूद जो है उनका जो है लूज मोशन ख़त्म नहीं हो रहे, उन्हें हैजा हो गया है। और दोस्तों इसे ORS की तरह, शरबत की तरह बना के पिलाएं, तो जितनी भी किस्म की पेट के हवाले से बीमारी है वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों लूज मोशन लगे हो तो रुक जाएंगे। दोस्तों पुराने से पुराने जो दस्त लगे हुए, खाना हजम नहीं होता, और खाना खाते साथ ही पानी की तरह जो पखाना आना शुरू हो जाता है, तो इसके इस्तेमाल से आपकी ये तमाम किस्म की जो बीमारियाँ हैं दूर हो जाएंगी, स्पेशली हैजा के लिए ये बेहतरीन है। और दोस्तों जिसमें पानी हो नमकियात को पूरा करता है। और दोस्तों अक्सर लोग बाहर बहुत ट्रैवल करते हैं, बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं या पैदल सफ़र भी करते हैं, तो बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से सांस की बीमारियां पैदा हो जाती है, और जो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम, खांसी लग जाती है। और दोस्तों जस्ट इसका जो है आप जो है पाउडर जो है 1 टीस्पून दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो आपके जितने भी ये बैड इफेक्ट है पोल्यूशन के सारे दूर हो जाएंगे। और दोस्तों आपका नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाएगा, खांसी दूर हो जाएगी, तो फेफड़ों के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनकी इंसुलिन नहीं बन रही, जिन्हें डायबिटिक है, शुगर है, तो उनके लिए भी बेहतरीन है, तो वह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पाउडर के करीब लेकर वह भी इसे नीम गर्म दूध के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों की जो ब्लड शुगर है 70 पर आ जाएगी। दोस्तों इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, इस वजह से इसका जो पाउडर है आप इसे दूध के अंदर मिक्स करके पिए तो आपको जो है पखाना जो है आपको नॉर्मल आ जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतरीन है। अव्वल तो ये दस्तों के अंदर यूज़ करवाया जाता है, लेकिन आप इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट होता है, तो जब आप इसे नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे मेल अफराद जिनकी जिंसी टाइमिंग कमज़ोर है, जिनकी मनी पतली है, गाढ़ापन नहीं है, और बच्चे पैदा होने के साथ ही फौत हो जाते हैं, स्पेशल लड़कियां पैदा होती हैं, उनके लिए बेहतरीन है, मनी को यह ताकतवर बनाता है। और दोस्तों मर्दों को जिनसी तौर पर यह फाल करता है, मनी को गाढ़ा करता है, इस्लाम जरियान सुरते इंसान को दूर करता है,
दोस्तों इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके ज़्यादातर जो है बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं और दोस्तों मेल फर्टिलिटी के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों इसी तरह औरतों के जो पोशीदा अमराज होते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, स्पेशल उनकी जो लिकोरिया का मर्ज होता है उसके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों अगर मैदे के अंदर किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, कोई अल्सर बन रहा है, कोई ज़ख्म बन रहा है, कोई कैंसर बन रहा है, कोई ट्यूमर बन रहा है, उसे दूर करता है, जिस्म के अंदर से कैंसर को दूर करता है, अगर जिस्म में किसी भी जगह पर सोजिश है उसे दूर करता है, जिस्म से गिल्टियाँ दूर करता है, ट्यूमर बन रहा है उसे दूर करता है और कैंसर को जड़ से ख़त्म कर देता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मसल्स पेन के लिए बेहतरीन है और जो अथराइटिस का जो मर्ज है, जो जोड़ों का दर्द है उसके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों जोड़ों के दर्द के लिए स्पेशल इस्तेमाल करवाया जाता है। और दोस्तों 1 टीस्पून के करीब लेकर आप इसे नीम गर्म दूध के साथ पी लें तो आपकी ऐसा सा जो जोड़ों का मर्ज है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर दूर हो जाएगा, जो आजकल हर किस्म के जो उम्र के अफराद के अंदर पाया जाता है, छोटे हो या बड़े हो या बूढ़े अफराद जो होते हैं स्पेशली उनके अंदर जोड़ों का दर्द बहुत पाया जाता है। और दोस्तों जिसमें में से हर किस्म के बुखार को दूर करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कराया जाता है। और दोस्तों इसके साथ अचार बनाए जाते हैं, शरबत बनाए जाते हैं, दोस्तों इससे मुख्तलिफ किस्म के फिजी जूसेस भी बनाए जाते हैं। चलें दोस्तों ये तो थे बेल फ्रूट यानी स्टोन एप्पल के, वुड एप्पल के बेनिफिट्स, अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट की तरफ। और दोस्तों इसका जो मोतदिल इस्तेमाल है वो 1 टीस्पून से लेके आप 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून पूरे दिन के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसका जो पेस्ट कॉम्बिनेशन है वो आप पाउडर फॉर्म में इसे यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी पाकिस्तान के अंदर ये कॉमन नहीं पाया जाता तो पाकिस्तान के अंदर ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा पंसारी स्टोर पर, जो हकीम लोग होते हैं उनके पास इजीली आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पाउडर फॉर्म में ये आ चुका है तो ईज़िली आसानी के साथ आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, आप एक जो इसकी है जार जो है परचेज़ कर लें। और दोस्तों 1 टीस्पून के करीब आप इसे एक ग्लास नीम गर्म दूध के साथ इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल बुजुर्ग अफराद को इस्तेमाल कराइएगा और दोस्तों उनके जो जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। और दोस्तों कई लोग इसे गर्म हो खुश्क कहते हैं कि ये गर्म हो खुश्क नहीं है, ये बेसिकली जो है सर्द मिजाज रखता है और खुश्क मिजाज रखता है। और दोस्तों इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपका जो है स्टोमिक अपसेट हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिन्हें स्नीजिंग एलर्जी है या आपकी स्किन एलर्जी है तो इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको स्किन एलर्जी आपकी बूस्ट कर सकती है, तो इस वजह से आपने इसे मुनासिब यूज़ करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। 1 टीस्पून इसे आप ड्राई फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपके इलाके के अंदर ये फ्रेश पाया जाता है तो एक जो फल काफ़ी होता है, इसके अंदर बीज होते हैं, इसके अलावा जो है पल्प होता है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये बेलगिरी यानी बेल फ्रूट, स्टोन एप्पल, वुड एप्पल या बंगाल क्वींस जिसे बोला जाता है, इसके जो बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताए पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे, ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।